विवेक रंजन अग्निहोत्री की दी वैक्सीन वॉर, क्या उनकी द कश्मीर फाइल्स की तरह सुपरहिट होगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म द वैक्सीन वॉर को, जो आज यानी गुरुवार को रिलीज हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, यानी आपके चहेते चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। द वैक्सीन वॉर कहानी है COVID-19 के वैक्सीन के बारे में। इंडिया ने इंडिजिनियसली यानी विदाउट फॉरेन हेल्प वैक्सीनेशन को वैक्सीन बनाया COVID-19 का। उसकी कहानी है किन हालातों में इंडिया ने यह वैक्सीन बनाया, कैसे कुछ लोग इस वैक्सीन के खिलाफ थे लेकिन कैसे रिकॉर्ड टाइम में बनाया, और कैसे न सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज को भी ये वैक्सीन एक्सपोर्ट हुआ, और कैसे बहुत सी जाने इस वैक्सीन की वजह से बची। तो ये पूरी सारांश में कहानी है, हमको एक्चुअल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बस इतना ये जरूर कहेंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के डॉक्टर बलराम भार्गव पर आधारित है ये कहानी, क्योंकि उन्होंने ये वैक्सीन कोवैक्सीन को बनाने में टीम को लीड किया था। तो प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव की भूमिका नाना पाटेकर निभा रहे हैं, डॉक्टर निवेदिता की भूमिका गिरिजा ओक निभा रही है, प्रोफेसर डॉक्टर प्रिया इब्राहिम की भूमिका पल्लवी जोशी ने निभाई है, डॉक्टर प्रज्ञा यादव इज प्लेड बाय निवेदिता भट्टाचार्य, एंड डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर इज प्लेड बाय मोहन कपूर। ये पांच फोर फ्रंट पर है। इनके अलावा ऑफकोर्स कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल है प्लेड बाय अनुपम खेर, एक जर्नलिस्ट है टेलीविजन जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह धूलिया प्लेड बाय रायमा सेन, उनके एडिटर है प्लेड बाय दीप ज्योति दास, देन देयर इज मयूख हु प्लेज डॉक्टर समीरन पांडा, अरविंद पासवान हु प्लेज डॉक्टर रजनीकांत, आंचल द्विवेदी जिन्होंने डॉक्टर एना डोगरा की भूमिका निभाई है, वृंदा खेर जिन्होंने डॉक्टर वर्षा पोतदार की भूमिका निभाई है, सप्तामी गावड़ा हु प्लेज डॉक्टर श्री लक्ष्मी मोहनदास। तो ये सारे डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट ने मिलकर वैक्सीन बनाई, ऑफ कोर्स इनके असिस्टेंट्स भी हैं, एंड इनके अलावा हमने दो तीन और भी किरदारों के नाम लिए। तो आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म को लिखा है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। कहानी ज्यादातर रियालिटी पर बेस्ड है, बट ऑफकोर्स सिनेमेटिक लिबर्टीज ली गई है, और कहानी इंटरेस्टिंग है। अब आप कहेंगे COVID-19 के बारे में अब कितना हम देखेंगे, इतनी चीजें देख ली है, इतनी चीजें पढ़ ली है, हम उस दौर से गुजर चुके हैं और वो डिप्रेसिंग डेज हमें वापस याद नहीं करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो इस कहानी में बताई गई है हमें भी नहीं पता, या थोड़ी बहुत पता है लेकिन इन डेप्थ में इस फिल्म से मालूम चलती है। इसलिए देयर इज नॉवेल्टी डिस्पाइट द फैक्ट कि COVID-19 के दौर से हम सब गुजर चुके हैं, इसलिए इस कहानी में इंटरेस्ट आता है। स्क्रीन प्ले जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री का, वो फास्ट पेस्ड है। हाँ, टेक्निकल जरूर है, कभी कभी बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है जिसकी वजह से मासेस थोड़े इरिटेट हो सकते हैं, लेकिन जहां ह्यूमन एंगल और ह्यूमन ड्रामा आ जाता है, वो पॉइंट तो या वो ट्रैक तो, जो ह्यूमन ट्रैक है, ह्यूमन एंगल है, वो ट्रैक एंड वो एंगल मासेस, क्लासेस, अमीर गरीब, बड़े छोटे, मेन विमेन, सबको बहुत पसंद आएगा। इनफैक्ट दो तीन जगह पर आपकी आंखें नम हो जाएगी, और अगर आप वीक हार्टेड है आप रोने भी लग जाएंगे, बिकॉज जो ह्यूमन एलिमेंट है ड्रामा का, दैट इज जस्ट फैंटास्टिक, इट एब्सोल्युटली टचेस द हार्ट। इनफैक्ट डॉक्टर प्रिया इब्राहिम यानी पल्लवी जोशी जब जब रोती है तब आपकी आंखें नम हो जाती है। डॉक्टर निवेदिता का बच्चा उनके पैर पकड़ लेता है और प्लीड करता है कि मम्मी आप मत जाओ, लेकिन उस डॉक्टर को वापस ऑफिस जाना पड़ता है, लैब में जाना पड़ता है, उस सीन में तो आप रोएंगे ही रोएंगे। फिर एक सीन है जहां पर डॉक्टर बलराम भार्गव यानी नाना पाटेकर अपने अटेंडिंग डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तब वो डॉक्टर जब सच्चाई पेश करता है वापस आप रोना शुरू कर देंगे। तो ऐसे बहुत से सीन्स हैं जहां पर आप दुखी हो जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। सो ओवरऑल द स्क्रीन प्ले इज फैंटास्टिक, बट हैविंग सेड दैट लेट अस ऐड वंस अगेन कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इसलिए कुछ लोग थोड़े पुट ऑफ हो सकते हैं।
फिल्म में संवाद यानी डायलॉग्स विवेक रंजन अग्निहोत्री के हैं, जो कि मजेदार है, एब्सोल्युटली फंटास्टिक डायलॉग्स। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की, अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। नाना पाटेकर एज प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान, कोई भी एक्टर उनसे बढ़िया एक्टिंग कर सकता। नाना पाटेकर लिव्स द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव, बेहतरीन एक्टिंग। जितनी तारीफ की जाए नाना पाटेकर की उतनी कम है, वो मानो किरदार में घुस जाते हैं और ऐसे घुस जाते हैं कि नाना पाटेकर कहीं नजर ही नहीं आते हैं, हर जगह आपको प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव ही नजर आते हैं। इन वन वर्ड, ही इज सुपर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। गिरिजा ओक डॉक्टर निवेदिता की भूमिका में चमकती है, बेहतरीन काम, बहुत ही बढ़िया काम, और आपको उनके किरदार से मोहब्बत हो जाती है कि कितनी सिंसियर, कितनी इंटेग्रिटी वाली औरत है ये, वंडरफुल परफॉर्मेंस। पल्लवी जोशी, ऑफ कोर्स शी इज अ फाइन एक्ट्रेस, बेहतरीन अदाकारा है, एंड इन दिस फिल्म आल्सो डॉक्टर प्रिया एब्राहम, प्रोफेसर डॉक्टर प्रिया एब्राहम की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई है। जब वो टूट जाती है, जब वो रोने लगती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी हेल्पलेस नजर आती है, सारे न्यूएंसेस इतने बेहतरीन हैं कि आप उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। निवेदिता भट्टाचार्य इन द रोल ऑफ डॉक्टर प्रज्ञा यादव इज ऑल्सो फर्स्ट रेट, फुल मार्क्स टू हर फॉर अ फंटास्टिक, एब्सोल्यूटली फंटास्टिक परफॉर्मेंस। मोहन कपूर ने डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर की भूमिका समझदारी से निभाई है। अनुपम खेर एज द कैबिनेट सेक्रेटरी इज वेरी गुड। राइमा सेन जो रोहिणी सिंह धूलिया, मेडिकल एडिटर ऑफ डेली वायर, वो रोल निभाया है, शी इज फैंटास्टिक। दिखी भी बहुत खूबसूरत है, और क्या कॉन्फिडेंस से डायलॉग्स बोलती है, क्या कॉन्फिडेंस से न्यूज पढ़ती है कि आपको उन्हें देखकर मजा आ जाता है। दीप ज्योति दास एज द एडिटर इज वेरी गुड, ही लेंस एक्सलेंट सपोर्ट। मयूख इन द रोल ऑफ डॉक्टर समीरन पांडा इज लवली। अरविंद पासवान एज डॉक्टर रजनीकांत हैज हिज मोमेंट्स। डॉक्टर एना डोगरा की भूमिका में आंचल द्विवेदी मेक्स हर प्रेजेंस फेल्ट। वृंदा खेर एज डॉक्टर वर्षा पोतदार डेफिनेटली लीव्स अ फाइन मार्क। सप्तामी गावड़ा इन अ स्मॉल रोल एज डॉक्टर श्री लक्ष्मी मोहनदास, शी इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी नेचुरल, वेरी वेरी रियलिस्टिक। माली के बेटे के रोल में मानस गुप्ता स्टैंड्स हिज ओन। सिक्योरिटी गार्ड बहादुर के रोल में बेनी ब्राउन ऑल्सो डज अ फाइन जॉब, लेंस गुड सपोर्ट। दिव्या सेठ लेंस स्टार वैल्यू, शी प्लेज द वाइफ ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव। रूबिन इजराइल एज डॉक्टर प्रिया एब्राहम्स हस्बैंड। अर्जुन द्विवेदी एज द हस्बैंड ऑफ डॉक्टर प्रज्ञा यादव, एंड आशीष कपूर एज डॉक्टर निवेदिता हस्बैंड, दे ऑल थ्री लेंड वंडरफुल सपोर्ट। ऑफ कोर्स इनके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं, सभी ने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की, आइए अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में ये फिल्म बनी है, और कहना पड़ेगा कि फिल्म का निर्देशन लाजवाब है। ही इज मेड अ फैंटास्टिक फिल्म, एक ऐसी फिल्म उन्होंने बनाई है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यू विल फील प्राउड टू बी एन इंडियन, बिकॉज इतने बेहतरीन तरीके से बताई गई है ये बात, कैसे वैक्सीन बना, कैसे मुसीबतों का सामना किया, कैसे स्केलेटल स्टाफ में भी उन साइंटिस्ट ने वो अचीव कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। ये सब बातों से आप बहुत ही अच्छी फीलिंग से उठेंगे। देर इज अ पेट्रियॉटिक सेंस ऑफ पेट्रियॉटिक फीलिंग वेन यू वॉच दिस फिल्म। फिल्म में संगीत स्वप्निल बांदोड़कर और विक्रम बाम का है। द ओरिजिनल सॉन्ग्स हैव बीन कंपोज्ड बाय वनराज भाटिया एंड रोहित शर्मा, एंड गाने ऑफ कोर्स फंक्शनल हैं, लेकिन फिल्म में अच्छे लगते हैं। रोहित शर्मा का पार्श्व संगीत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। उदय सिंह मोहिते का कैमरा वर्क बेहतरीन है। प्रोडक्शन डिजाइनिंग बाय उदय प्रकाश सिंह एंड आर्ट डायरेक्शन बाय प्रमोद महाराणा, अंजन गजुरेल एंड चंचल सिंह बिस्त, दे आर ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। एंड शंख राजाध्यक्ष का संकलन यानी उनकी एडिटिंग सुपर शार्प, सुपर क्रिस्प। तो ओवरऑल द वैक्सीन वॉर इज अ सुपर्ब फिल्म, बेहतरीन फिल्म है, और भले ही इस फिल्म की शुरुआत आज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बी श्योर दैट विद ग्रेट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म के कलेक्शन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जी हां, स्टार्ट कितना भी स्लो क्यों ना हो, ये फिल्म के कलेक्शन बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। The film will win a lot of critical acclaim.
डोंट बी सरप्राइज इफ दिस फिल्म टर्न्स आउट टू बी अ बॉक्स ऑफिस हिट। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ द वैक्सीन वॉर, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स, सी यू सून।